आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है एक्सट्रीम। ये मूवी उन लोगों को कुछ ज़्यादा ही पसंद आएगी जो कि एक्शन के दीवाने हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है मैक्स से, जो अपने बेटे से कहता है कि वो अपना बैग पैक कर ले क्योंकि उन्हें हॉलीडे पे जाना है। मैक्स लुसेरो के साथ एक अड्डे पे पहुँचता है जहाँ उसके पिता की कुछ गैंगस्टर से डील होने वाली है। मैक्स लुसेरो का सौतेला भाई है जिसे उसके पिता ने गोद लिया था। लुसेरो के पिता एक गैंगस्टर हैं और वे दोनों अपने पिता के लिए काम करते हैं। लुसेरो अंदर जाकर एक गैंगस्टर से मिलता है और उसे एक बैग देता है। लुसेरो कहता है कि यह बैग तुम्हारे लिए है जिसमें पैसा है। बैग खोलने पर उसके अंदर एक इंसान का कटा हुआ सिर होता है और तभी उनमें गैंगवार शुरू हो जाती है और वे लोग उन सभी को मार डालते हैं। लुसेरो काफ़ी सनकी इंसान है और उसे खून खराबा काफ़ी पसंद है। वह अपने पिता की तरह एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है, इसलिए वह हर किसी से पंगे लेता रहता है। उन सभी गैंगस्टर को मारने के बाद लुसेरो मैक्स को घर जाने के लिए कहता है। दूसरी ओर लुसेरो के पिता उस क्लब में पहुंच जाते हैं जहां उसे लुसेरो की पागलपंती के बारे में जानकर बहुत गुस्सा आता है। लुसेरो की बदतमीजी और अड़ियल स्वभाव के कारण वे उसे काफ़ी कुछ कह देते हैं। दरअसल उसके पिता लुसेरो से ज़्यादा मैक्स को पसंद करते हैं, इसलिए लुसेरो उन्हें मार डालता है और मैक्स को मारने के लिए अपने आदमियों को उसके घर भेज देता है जहाँ पे मैक्स और लुसेरो के आदमियों की फाइटिंग होती है और मैक्स सबको एक एक करके मार डालता है। तभी लुसेरो का खास आदमी फिनुटो मैक्स को पकड़ लेता है और उसके बेटे को मार डालता है, साथ ही जाते जाते पूरे घर को बम से उड़ा देता है। सीन चेंज होता है जहाँ एक लड़के लियो को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त हारो के लिए ड्रग्स बेचने का काम करता है। वह यह सब मजबूरी में करता है क्योंकि उसकी एक फैमिली है और उसे अपना घर चलाना है। लियो का दोस्त उसे अपने इलाके से बाहर ड्रग्स सप्लाई के लिए भेजता है जहाँ कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। तभी मैक्स वहाँ आ जाता है जो कि अब तक जिंदा है, जिसे लुसेरो की बहन मारिया ने बचा लिया था। मैक्स उन गुंडों को मारकर घायल कर देता है और अपने गैराज में चला जाता है जहां वह रहता था। लियो भी उसके पीछे जाता है और मैक्स को थैंक्स कहकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन लियो मैक्स के पास फिर से आता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। लियो मैक्स से कहता है कि उसे गिटार बजाना अच्छे से नहीं आता, इसलिए वह उसे फ्री में गिटार बजाना सिखाएगा, इसके बदले में वह उसे फाइटिंग सिखा दे। मैक्स लियो को फाइटिंग सिखाने लग जाता है। मैक्स को लियो की आदतों को देखकर उसमें अपने बेटे की झलक दिखाई देती है जो कि मारा जा चुका है। अगले दिन लियो का दोस्त हारो उसे ड्रग्स बेचने के लिए एक इलाके में जाने के लिए कहता है, लेकिन लियो उसे मना कर देता है। लियो के मना करने पर वह उसके पास जाता है और उस पर यह इल्ज़ाम भी लगा देता है कि वह आजकल ड्रग्स के पैसे चोरी कर रहा है और उसके हाथ को कार के दरवाजे से कुचल देता है। कुछ दिनों बाद मैक्स लियो से मिलता है और उससे पूछता है कि उसके हाथ को क्या हुआ। तब लियो उसे कहता है कि उसके दोस्त हारो ने उसके हाथ को कुचल दिया है क्योंकि वह ड्रग्स के पैसे चोरी कर रहा था। मैक्स उसे कुछ दिन मारिया के पास छोड़ देता है ताकि वे लोग उस पर दोबारा हमला ना कर सकें। उसके अगले दिन मैक्स हारो के पास जाता है और उसकी जमकर धुलाई कर देता है। तभी लुसेरो के आदमी वहाँ आ जाते हैं और मैक्स को पहचान जाते हैं। मैक्स उनकी भी धुलाई कर देता है जहां मैक्स को हारो से पता चलता है कि वह ड्रग्स बेचने का काम इनडायरेक्टली लुसेरो के लिए करता है और इससे ज़्यादा उसके बारे में वह कुछ नहीं जानता। हारो फिनोटो के पास जाता है और उसे बताता है कि लियो की मार का बदला लेने के लिए एक दूसरा आदमी आया था जिसका नाम मैक्स है और उसने उसकी और उसके आदमियों की खूब पिटाई की है। मैक्स का नाम सुनकर फिनिटो को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता और वह हारो की बकवास सुनने की बजाय उसे मार देता है। लियो थोड़ा ठीक हो जाने पर घर जाने की जिद करता है, लेकिन मैक्स को कुछ खतरे का आभास हो जाता है और वह भी उसके साथ चला जाता है। घर के अंदर जाने पर लियो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली को किसी ने मार डाला है और मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि फिनुटो था। तभी लियो की रोने की आवाज़ सुनकर मैक्स वहां आ जाता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में किस्मत फिनुटो का साथ देती है और वह वहां से बचकर निकल जाता है।
मैक्स घायल हो जाता है और लियो के साथ मारिया के घर जाता है, जहां मारिया लियो को बताती है कि वह लुसेरो की सगी बहन है और वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए मैक्स का साथ दे रही है और उसी ने एक हमले में मैक्स को फिनिटो से बचाया था। अब मैक्स और मारिया लुसेरो को मारने की तैयारी करते हैं। मारिया बहाने से लुसेरो के आदमियों को गैराज में बुलाती है, जहां मैक्स उन सबको मार डालता है। मैक्स लुसेरो के फ्रेंड राफा के क्लब में जाता है, जहां लुसेरो ने अपनी सारी ब्लैक मनी छुपाकर रखी हुई थी। मैक्स वहां जाकर उस क्लब को तहस नहस कर देता है और सारा पैसा चुरा लेता है। क्लब का मैनेजर अपने बॉस राफा को फिर राफा लुसेरो से मिलकर पैसों की चोरी के बारे में बताता है। दूसरी ओर लियो लुसेरो के लोकेशन की जानकारी मिलने पर मैक्स और मारिया को बिना बताए लुसेरो को मारने के लिए निकल पड़ता है, जहां उसे फिनिटो पकड़ लेता है। तभी मारिया वहां आ जाती है और फिनिटो को कार से टक्कर मारकर लियो को बचा लेती है। सीसीटीवी के फुटेज से लुसेरो मैक्स को पहचान लेता है और वह फिनिटो पर गुस्सा हो जाता है कि मैक्स अब तक जिंदा कैसे है। मारिया लियो को हॉस्पिटल लेकर आती है, जहां फिनिटो भी आ जाता है और साथ ही लुसेरो का एक आदमी मैक्स के पास पहुंच जाता है, जहां पर मैक्स और उस बंदे की एक जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें वह बंदा मारा जाता है। यहां पर इस मूवी का एक्शन काफ़ी लाजवाब है, जो कि एक्शन लवर को काफ़ी पसंद आएगा। नेक्स्ट सीन में मैक्स लुसेरो को कॉल करता है, जिस पर लुसेरो उसे मार डालने की धमकी देता है। मैक्स लुसेरो के अड्डे पर पहुंचता है, जहां पर वह एक एक करके लुसेरो के सारे आदमियों को खत्म करता चला जाता है। सबको मारने के बाद मैक्स लुसेरो के पास आता है, जहां उनके बीच काफ़ी बहस होती है। लुसेरो उससे कहता है कि वह उसे मारना चाहता था क्योंकि उसका पिता मैक्स को अपने बेटे की तरह मानता है और उसे लुसेरो से ज़्यादा पसंद करता था। लुसेरो हमेशा अपने पिता की तरह बनना चाहता था, लेकिन उसका पिता लुसेरो को उसकी हरकतों के कारण पसंद नहीं करता था। फिर यहाँ पर उन दोनों के बीच एक गजब की तलवारबाजी होती है और दूसरी ओर मारिया फिनिटो से लड़ रही होती है। इस लड़ाई में मैक्स और मारिया बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लुसेरो फिनिटो से कहता है कि वह मैक्स को मार डाले और अपना अधूरा काम पूरा कर ले, क्योंकि पिछली बार मैक्स बच गया था। तभी मैक्स फिनिटो पर हमला कर देता है और फिनिटो मारा जाता है। इसके बाद मैरियो और मैक्स मिलकर लुसेरो पर हमला कर देते हैं और दोनों मिलकर उसके सिर और दिल को चाकू से घोंप देते हैं और लुसेरो को मार डालते हैं। अब लुसेरो के सारे पैसे इन लोगों के हो जाते हैं और वे पैसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।